सर एक इंटरव्यू मैंने दिया था और वहीं पे एक मेरे साथ था जो कि बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट था और हर दूसरे सेकंड मेरे को बोल रहा था यार अंदर जाके क्या होगा, वो क्या पूछेंगे, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, नहीं हुआ तो क्या होगा। और एक मैं था जो कह रहा था कि मतलब मेरे को वहाँ जाना नहीं था, तो फिर मैंने बोला कि यार मैं बस चेक करने आया हूँ कि मैं कितना केपेबल हूँ, तो फिर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे करके मैं बहुत ही चिल आउट था। मैं सबको बोल रहा था क्या हो गया, नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। तो वो जो मेरे साथ था सर, हम दोनों ने सेम इंटरव्यू दिया, हम सेम क्वालिफिकेशन पे थे, उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए हुए थे, वो रिजेक्ट हो गया और मैं सिलेक्ट हो गया उस राउंड में। तो फिर अंदर जाके यही हुआ कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर करके आया और उसका वो बहुत ही डरा हुआ था, मैं कैसे करूँगा मैं कैसे करूँगा, हर बार पे उसका यही था मेरा नहीं होगा, और फिर उसका नहीं हुआ। बड़ी कमाल की बात बोली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम, प्लीज हैव अ सीट। देखो एक बंदा है इंटरव्यू में डरा हुआ है, एक है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या फर्क है इन दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो? एक है वहां पर उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए गया है, एक है जो मजे के लिए गया है, मतलब उसको नहीं भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा बंदा है वो इस थॉट से ही डर जाता है कि अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बड़ा कमाल का एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर आप चाहते हो कि आपका हो जाए जो भी आप चाहते हो, कोई खेल खेल रहे हो और आप जीतना चाहते हो तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और अगर आप खेल रहे हो खेलने के लिए तो अब आपको हराने का कोई तरीका ही नहीं है, अगर दोनों की स्किल बराबर है तो कंडीशंस अप्लाई, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर बैकग्राउंड में फर्क है तब तो वहां पर यह सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि एक बंदा है ग्रेजुएट है एक नहीं है, तो ग्रेजुएट का हो गया क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि भाई ग्रेजुएट्स के लिए है, तो दूसरे को बाहर कर दिया। तो अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक ही कॉलेज से दो बच्चे निकल करके आए हैं और एक डर रहा है एक नहीं डर रहा है, तो डर का कॉज क्या है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप डर भी बोल सकते हो, इसको स्ट्रेस भी बोल सकते हो, इसको प्रेशर भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो कैपेबिलिटी है जिस लेवल पे हम परफॉर्म कर सकते हैं उस लेवल पे हम नहीं कर पाते, क्योंकि जितना आप उस सक्सेस के बारे में सोचोगे कि मेरा ये जॉब इंटरव्यू क्रैक होगा 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 होगा, उतना ही आपके अंदर डर भी पैदा हो जाएगा, वो ना होने का डर। देख रहे हो ना दोनों में क्या फर्क था, एक में था कि मेरे को जॉब मिल जाए, अदर डिजायर कुड बी कितना मजा आएगा, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं पहली बार जा रहा हूं, देखता हूं क्या होगा वहां पर, मतलब यू आर एक्टिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बच्चे की तरह, ठीक है हो गया हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, यहां नहीं हुआ तो ये थोड़ी लाइफ खत्म हो जाएगी, हो भी गया तो ये मतलब थोड़ी है कि जिंदगी भर यहीं पे रहने वाला हूं, हो सकता है वैसे ही निकाल दें चार दिन बाद, तो ये तो हो जाता है नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब यू आर एक्साइटेड अबाउट द प्रोसेस, एक तरफ से यू आर एक्साइटेड ओनली अबाउट द आउटकम, जॉब मिल गई तो मजा आ जाएगा नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा, तो आप एक भिकमंगो की तरह जियोगे, क्यों, क्योंकि डरे ही रहोगे ना, जॉब मिल भी गई ऐसे बंदे को क्या वो डर डर के काम नहीं करेगा, देखो मुझे यहां से निकाल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्या बर्बाद हो जाऊंगा, और तब अगर उसको ऊपर वाले बंदे आकर के कहेंगे कठपुतली की तरह नचाएंगे कि तेरे को सारे गलत काम करने दुनिया जहान के, करेगा या नहीं करेगा, तो उसकी अपनी लाइफ बची कहां है, वो तो पपेट बन गया है, किसी और के हाथ में उसकी डोर है, वो नचा रहा है उसको। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है उसकी सोच है कि मुझे तो एक टॉप स्टार बनना है, मतलब बॉलीवुड में डेली, मतलब बॉम्बे अगर आप लोगों को पता हो तो कि डेली हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए नहीं हीरो बनने के लिए, सबको हीरो बनना है। तो क्या होता है उन लोगों का हाल, अच्छा होता है बुरा होता है, क्या कभी उनको हमने देखा जाकर के प्रैक्टिकली उन लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व किया है कि क्या क्या हालत होती है, मैंने धक्के खाए हैं इसलिए मुझे पता है अंदर की कहानी क्या है, बहुत बुरी हालत होती है, इतनी बुरी जिसकी कोई हद ही नहीं है, हर तरफ से पिसे हुए होते हैं, क्यों मर रहे हो, क्योंकि उनको हीरो बनना है। अब अगर उनको कोई सपना दिखाएगा कि हाँ, या उनको कोई रास्ता मिलेगा कि हाँ बेटा मैं तेरे को हीरो बना दूंगा लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, वो करेगा या मना करेगा, तो उसके अंदर बचा क्या, सोच रहे हो अगर दुनिया जहान के उसको गलत काम करने पड़ रहे हैं वो बनने के लिए, वो करने के लिए जो वो करना चाहता है, तो बन भी गया तो अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, तब तक 5-10 साल में कुछ बचेगा ही नहीं, शक्ल देखोगे तो सब कुछ नकली होगा वहां पर, नकली हंसी, नकली सक्सेस, अंदर से सब खोखला, सब खाली। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है लाइफ को जीने का, अगर वो बंदा समझ पा रहा है तो वो क्या कहेगा, बाढ़ में क्या हीरो हीरोइन इस सबसे क्या करूँगा, एक्टिंग में है मेरा इंटरेस्ट, मेरे को एक्टर बनना है, एक्टर कौन है, एक्टर के लिए क्या बड़ा क्या छोटा।
समझ रहे हो? अगर कोई एक्टर है तो उसके लिए स्टेज बड़ा या छोटा नहीं होता है, हीरो के लिए बड़ा छोटा होता है कि ये छोटा स्टेज है, मैं यहाँ पे कैसे आऊंगा, समझ रहे हो? तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो अगर इस लाइफ में इस टाइम पे अगर आपको समझ आ गई ना तो बड़ी कमाल की लाइफ हो सकती है। हाँ, आप बोलिए। सर, जो दो लोग होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक कॉन्सिक्वेंसेस में जीता है और एक प्रेजेंट में जीता है। एक सोचता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो उससे क्या क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सोचता है कि मैंने ये नहीं किया था, लास्ट टाइम भी मैं डिसअपॉइंट हो गया था, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया था, तो वो आगे भी वही सोच सोच के जीता रहता है और नेगेटिव ही चलता है, उससे कभी भी कोई पॉजिटिव की उम्मीद ही नहीं होती। और जो दूसरा होता है सर, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसको लगता है कि इवन इफ नहीं भी हुआ तो लेट इट बी, हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, वो कभी भी गिव अप नहीं करता है और वो आगे वाले कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचता, वो प्रेजेंट में जीता है। एक्सेलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेजेंट में कैसे जीते हैं? प्रेजेंट में जीने का मतलब और ना जीने का मतलब पहले क्लियर करते हैं। जो बंदा प्रेजेंट में नहीं जी रहा है वो क्या कर रहा है कि मैंने इतनी बार ट्राई किया, नहीं हुआ, अब भी होने वाला तो है नहीं, पिछली बार भी मैं गया था वहां पे जाके नर्वस आ गया था, नर्वस को नर्वसा अच्छा लगता है बोल, हाँ इस बार भी अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो वो पास्ट में जी रहा है या तो, या फिर फ्यूचर में, अगर नहीं हुआ हो तो पता नहीं घर जाके कितने जूते पड़ेंगे, घर वालों ने पूरा टीका भी करके भेजा इस बार तो। और कई बार ऐसा भी होता है वो टीके की वजह से जॉब नहीं मिलती है, भाई हमारी बलि चढ़ाने आया है तो क्या करने आया है। द पॉइंट इज कि एक बंदा है जो पास्ट में जी रहा है या फ्यूचर में जी रहा है, अगर वो एक्साइटेड भी हो रहा है सोच करके कि हाँ अब तो मुझे मिलेगी 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 जॉब ये वो, तो उस एक्साइटमेंट में भी हो सकता है वो रायता फैला रहा है अंदर जा करके, होता नहीं कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मतलब वहां पे टेबल पे गए बैठे अपनी फाइल बैठ ले देख क्या है, तू तेरी जगह मेरे पास होगी, ये कुर्सी दिख रही, बहुत सेशन देखे हैं मैंने उसके, क्या लगा रहा है मुझे तू। ऐसे बंदों को मार पीट के बाहर फेंकते हैं, मतलब प्यार बोलेंगे नहीं, मार फेंक दिया जाएगा ऐसे बंदों को। तो कह रहे हैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है, अंडर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्यों होता है ध्यान से समझना, अगर आप कोई काम कर रहे हो और अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे हो जो उस काम से रिलेटेड नहीं है, तो आप उस काम को ढंग से कर पाओगे, या अगर वो काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड बोल रहे हो तो उस काम को ढंग से कर पाओगे। समझ गए ना, ये बोलना ही सोचना है, पहले इसको समझ लो अच्छे तरीके से। मैंने अपने कई सेशंस में बोला है व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज थॉट, ये लोगों को पता नहीं है लेकिन बात करते हैं, माइंड, व्हाट इज माइंड, ये जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोल रहे होते हैं ये थिंकिंग है। बिना बोले क्या आप सोच सकते हो? बोलते रहे हो नहीं, कभी प्रैक्टिकली करके देखा है? किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के बताओ जिसका कोई वर्ड माइंड में ना पड़ा हो, कैन यू थिंक अबाउट इट? इम्पॉसिबल। तो पहले हम बोलते हैं, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस माइंड में आती है, फिर एक चेन बनती है, इसको थिंकिंग बोलते हैं। तो आप चाहे पॉजिटिव बोल रहे हो अपने आप को, चाहे नेगेटिव बोल रहे हो, आउटकम से रिलेटेड, जो होने वाला है उससे रिलेटेड, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसका जो अभी काम करना है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आउटकम मतलब क्या, जॉब मिलनी है नहीं मिलनी है, वो तो कुछ दिनों बाद डिसाइड होगा, बाद में डिसाइड होगा, कहीं और डिसाइड होगा, आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं उसके ऊपर। आपका काम क्या है, अगर आप सिर्फ जॉब इंटरव्यू के बारे में ही उस टाइम बोल रहे हो, ये भी नहीं कि हम बोंदों की तरह बैठे हैं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं या कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द जॉब इंटरव्यू, कि जैसे कोई बंदा अंदर गया उससे जाकर के पूछा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक ही तरह का पैटर्न चल रहा होता है, तो आपने उसको सुना समझा और अपनी प्रिपरेशन करी, अपना प्लान बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दैट प्लान, दैट प्रिपरेशन, दैट थिंकिंग अबाउट द इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट जो होने वाला है बाद में कभी, उसके बारे में आप सोच रहे हो, या जो भी काम है उसके अलावा किसी भी चीज के बारे में आप बोल रहे हो, किसी भी चीज के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, घर में ये हुआ वो होने वाला है, ये होगा वो होगा, मिल गया तो ये होगा, पार्टी होगी, नहीं मिला तो, ये सब अगर आप बोल रहे हो तो आप उस मोमेंट में नहीं हो। बट अगर आप बोल रहे हो उसी से रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो, जैसे अगर खेल रहे हो फील्ड में, तो अगर उस खेल से रिलेटेड आप बोल रहे हो अपने आप को कि बंदा सामने से आ रहा है, मान लो फुटबॉल खेल रहे हो कि ये आएगा आकर के मुझे टांग मारने वाला है, मैं गिरने वाला हूं, क्यों ना मैं ऐसा करूं यहीं पे रुक जाऊं, इसको लगेगा मैं निकलने वाला, ये करके मैं यहां से निकल जाऊं, ये सब हो रहा है,
यही थिंकिंग है, बड़ी तेजी से हो रहा होता है ये काम पूरा का पूरा। तो अगर आप उस गेम से रिलेटेड अपने आप को बोल रहे हो, सोच रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट मीन्स यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। बट अगर उस टाइम पे देखना ये है कि सामने वाला ओपोनेंट कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, मैं कहां से जाऊं, कैसे जाऊं, ये सोचने की बजाय अगर आप सोच रहे हो, आपकी नजर पड़ी वहां पे ट्रॉफी पे और उसके बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि वो ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी और फिर पूरी कंट्री सेलिब्रेट करेगी, ये होगा, वो होगा, आई विल क्रिएट हिस्ट्री, देन आप फ्यूचर में हो, आप उस मोमेंट में हो ही नहीं, अब आप हार जाओगे। आपकी सक्सेस जो है जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसका कनेक्शन है कि आप अपनी 100% कैपेबिलिटी पे परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसको ध्यान से समझ लेना। कुछ और एक और लेयर निकल करके आई है, मतलब आपकी कैपेबिलिटी ये है, यहां पर है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है, आप उससे हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया? अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया लाइफ में।